अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। तो यहाँ पे ये फंक्शन हमारा इस तरह से डिफाइन किया गया है और हमें क्या चेक करना है, ये कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। एक चीज़ देखो, ये इंडिविजुअल तौर पे कंटिन्यूअस हैं, जैसे माइनस टू है, कांस्टेंट है, तो ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो अलग अलग तो ये कंटिन्यूअस हैं। इसका मतलब हमें जो है डिसकंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है, यानी कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है, जिस पे ये फंक्शन स्प्लिट हो रहे हैं। जैसे यहाँ से यहाँ फंक्शन ये किस पॉइंट पे जा रहा है, माइनस वन से, तो माइनस वन से स्प्लिट हो रहा है, इसका मतलब माइनस वन पे हम चेक करेंगे। दूसरा, यहाँ से यहाँ किस पे जा रहा है, वन पे, यानी वन पे फंक्शन स्प्लिट हो रहा है, तो वन पे चेक करेंगे। तो एक्स की वैल्यू माइनस वन और वन पे हम लोग इसको चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, इसकी लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन माइनस माइनस, ये वाला जो माइनस लगा है ये इसलिए लगा है कि माइनस वन से जस्ट छोटा फंक्शन, तो माइनस वन से एक्स की वैल्यू अगर माइनस वन से जस्ट छोटी है तो क्या फंक्शन आएगा, माइनस टू, चूंकि इसमें वेरिएबल नहीं है तो ये माइनस टू के इक्वल ही आ जाएगा। आर एच एल ये क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस वन से जस्ट ज्यादा, सॉरी यहाँ पे चूंकि माइनस वन की बात कर रहे हैं तो ये माइनस वन, माइनस वन से जस्ट ज्यादा, एक्स की वैल्यू अगर माइनस वन से जस्ट ज्यादा हो तो फंक्शन क्या आएगा, टू एक्स, और यहाँ पे इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे टू लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस वन में जस्ट एच ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा एच की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे जीरो, तो टू को माइनस टू वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, एल एच एल आर एच एल इक्वल हो गए। अब हम देखते हैं एफ ऑफ माइनस वन, तो एक्स की वैल्यू अगर माइनस वन के इक्वल है तो क्या आएगा हमारा, माइनस टू। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो फंक्शन जो है वो एक्स की वैल्यू माइनस वन के लिए कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब हम देखते हैं वन के लिए, फॉर एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वन के लिए चेक करेंगे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स, वन से जस्ट छोटा, तो वन से जस्ट छोटे के लिए फंक्शन क्या आएगा, टू एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस, और ये आ जाएगा टू एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो टू, एक्स को रिप्लेस कर देंगे वन माइनस एच से, एच की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा टू। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस, ठीक है, एक्स टेंस टू वन प्लस, वन से जस्ट ज़्यादा के लिए एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस, और वन से जस्ट ज़्यादा के लिए क्या आएगा, टू आएगा, और चूंकि टू में कोई वेरिएबल नहीं है तो ये टू ही आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई। अब हम चेक करेंगे एफ वन, एफ वन हमारा क्या आएगा, टू इंटू वन विच इज इक्वल टू टू, दिस इंप्लाइज दैट ये हमारा हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वन के लिए भी कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज कंटिन्यूअस, तो एफ जो है वो पूरा ओवरऑल कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।